हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ रितिका के स्कूल। तो ये मैं निकल रही हूँ और मैंने ताला वाला लगा दिया है गेट का, और मैं चल देती हूँ क्योंकि इस रितिका के स्कूल से आया था फोन कि रितिका के पेरेंट्स आप यहाँ पर आ जाइए। तो मैं कुछ पैसे भी लेकर जा रही हूँ क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन और बोर्ड फीस दोनों ही जाएगी, साथ के साथ वो भी जमा कर आऊँगी मैं, और फीस तो ऑलरेडी जमा हो चुकी है। और ये यहाँ काम चल रहा है, मकाने बन रहे हैं हमारी तरफ, तो ये आवास विकास कॉलोनी है। इसमें मतलब हर टाइम ही काम सा ही चलता रहता है, कभी रोडों का काम, कभी मकानों का काम। तो और ये खुला खुला है और हमारे इधर कोई ना शोर शराबा, कोई कुछ नहीं, नहीं ध्वनि प्रदूषण है ना ही वायु प्रदूषण है, बहुत ही अच्छा हो रहता है। ये आप खुद ये आवास विकास का ऑफिस है। तो ये हम निकल गए हैं रितिका के स्कूल के लिए। और तो ये दिल्ली रोड पर पड़ता है रितिका का स्कूल, और बहुत ही अच्छा स्कूल है ये, ICSE बोर्ड है। और इस लाइन में यही स्कूल है, मुरादाबाद का टॉप स्कूल है ये ICSE बोर्ड का। और अब हम स्कूल पहुंच चुके हैं और ये है रितिका का स्कूल। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वो पूछते हैं गेटमैन वगैरह, तो ये आप किस रीजन से आए हो, तो उनको रीजन बताना पड़ता है। रीजन बताने के बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है और ये यहाँ पर रितेश एंट्री फिल कर देगा कि किस टाइम आप अंदर आए हो और किस टाइम आप बाहर जाओगे। ये सारी ही इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस सभी इसमें फिल करना पड़ता है। और फिर मैं जाऊँगी ऑफिस में, ऑफिस में बात करूँगी। फ्रेंड्स, आप बने रहना क्योंकि देखो बच्चों को पढ़ाना हमारे अपने परिवार का तो है ही भला, देश का भी भविष्य है। तो सबसे पहले बच्चे खुद अपना ही भविष्य बनाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये जो बाबू हैं स्कूल के, तो ये बात कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे थे कि क्या है रोल नंबर वगैरह, तो मैंने बता दिया था। तो क्योंकि मास्क अब अवेलेबल हो गया है क्योंकि अब कोरोना का फिर से लहर आने की संभावना लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। दोबारा से ये हो गई है स्थिति, तो भगवान फिर से ना आए, मैं तो यही करूँगी। बहुत ही ज़्यादा वो होता है, दुख भी होता है और रोजगार बेरोजगार सब बेकार हो जाता है और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है इस वाले उस पर। तो अब उन्होंने वेट करने के लिए कह दिया था कि थोड़ा वेट कीजिए, तो हम वेट करने के लिए बैठ गए हैं क्योंकि जो आया आंटी हैं वो कह रही थी मैं अभी आती हूँ। हमने स्लिप वगैरह दे दी थी। और ये है फिश पॉट, इसमें फिशें हैं, अपना दाना खा रही हैं। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कितना अच्छा लग रहा था। और ये मैरी क्रिसमस डे का वो लगा हुआ है, वेलकम टू स्प्रिंगफील्ड और मैरी क्रिसमस डे। तो आपको फ्रेंड मैरी क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। और ये आ गए हैं हम पेट्रोल पंप पर, तो यहाँ हम तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में।
तो ये मैं कह रही हूँ कि हम वापस आ गए हैं और स्कूल में जो काम था वो हम कर आए हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि सभी को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे तो मना ही करते हैं पढ़ाई के लिए, पर हमारा फर्ज है कि हम उनको थोड़ा प्रेशर बनाएं और प्यार से समझाएं। तो बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और फिर जाना पड़ा था बेटे के ही स्कूल, और वहाँ पर भी, और वो पड़ता है कम से कम 70-80 किलोमीटर, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। और फिर मैं आ गई हूँ वापस, और मुझे बहुत तेज़ लग रही थी ठंड, तो कि खाना मेरा बना नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट चाट खा ली जाए। तो मैं यहाँ फ्रूट चाट बना ली है, तो उसमें चीकू है, पपीता है और सेब है, और ये मैंने तीन तरीका की मैंने सलाद बना ली है फ्रूट चाट, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, मैं इसको बता रही हूँ। और मैं सर्दियों में ज़्यादातर फ्रूट खा लेने चाहिए क्योंकि अच्छे फ्रूट आते हैं। अब ये अचानक ही मुझे जाना पड़ा भैया भाभी को लेने रात में, क्योंकि गाड़ी उन्हें बाहर ही उतार दिया था, तो इसलिए हम गाड़ी कर कर ले मतलब गाड़ी करके जा रहे हैं, स्टार्ट कर लेते हैं नीचे, और मैं दिखाऊंगी कि कौन आ रहा है। और उनका भी चैनल है रेणुका भारती ब्लॉग। तो और ये रितेश गाड़ी के कागज़ रख रहा है। देखो गाड़ी के कागज़ हमेशा रखने चाहिए गाड़ी में, और प्रदूषण वगैरह करा लेना चाहिए, उससे ठीक रहता है। और ये रात का टाइम हो रहा था, जैसे करीब करीब 8:30 बज रहे थे, और उनको लेने जाना है, तो वो थोड़ा दूर उतर गए हैं, तो इसलिए गाड़ी से ले आते हैं। और मैंने भी जर्सी वगैरह पहन ली है, ठंड है, फ्रेंडों पड़ने लगी है, तो फ्रेंड अपना ख्याल ज़रूर रखें, सर्दियों में विशेष ध्यान रखें। और उसे ये है, और मैंने अपनी वीडियो में लड्डू की रेसिपी डाल रखी है, तो फ्रेंड उसको ज़रूर देख के बनाएं, और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और मैं कम बजट वाली भी बनाऊंगी वीडियो, उसमें कम बजट में फ़ायदा अनेक उसमें, तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगी और आप देखना। और ये अब आ गए हैं हम दहरी रोड पर, तो ये दहरी रोड पड़ता है, तो हमें इसी से ही आना जाना रहता है हमारा। और ये अब अच्छा हो गया है, रोडों पे ये तिरंगा वाली लाइटें लग गई हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और लो जी ये आ गई हैं भाभी और भैया, और बैठ गए हैं गाड़ी में, हमने पिकअप कर लिया था, भैया भी बैठ गए हैं, अब हम जाएंगे सीधा घर। और घर जा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।